आदरणीय पिताजी प्रणाम। इस चिट्ठी के लिए माफी चाहता हूं। क्या करूं, हर रात सोने से पहले कोई मुझसे कहता है लिखो, अभी लिखो, वरना फिर कभी ना लिख पाओगे। मैं जान गया हूं मुझे ब्लड कैंसर है। दवाओं के सहारे जीवन के एक एक पल गिन रहा हूं। अच्छा हुआ मां नहीं जानती, नहीं तो रो रो कर जान ही दे देती। मेरी प्यारी मां हर दम मेरी सफलता के लिए प्रार्थना किया करती थी। मुझे याद है IIT में मेरा एडमिशन हो जाने पर आप दोनों खुशी से पागल हो गए थे, लेकिन सारी खुशियां और मां के सपने दर्द भरे अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। पिताजी, आज मैं अपनी आत्मा की पीड़ा आपसे कहना चाहता हूं। मुझे बचपन में पेंटिंग का शौक था, पर आपको इससे चिढ़ थी। एक रोज आपने मेरे ब्रश तोड़ दिए, पेंटिंग के टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरे सपने चूर चूर हो गए। थोड़ा बड़ा होने पर मेरी कोमल भावनाएं कविता में ढलने लगी, पर यह भी आपसे सहन नहीं हुआ। मेरी कविताएं आपने आग में झोंक दी। उस रोज मैं फूट फूट कर रोया था। कॉलेज में जाने पर चुपके से मैं वायलिन सीखने लगा। आपको इसकी भी भनक लग गई और आप मुझ पर बरस पड़े। बेचारी माँ को लगा मैं बर्बाद हो रहा हूं, वो खूब रोई थी। मुझे लगता है घर परिवार की जिम्मेदारियों के वजह से आप मुझे समझ नहीं पाए। किंतु मेरे प्यारे भाई बहन सुशांत और रेवती के साथ ऐसा मत कीजिएगा। सुशांत की संगीत में रुचि है और रेवती में डांस सीखने की ललक। इनकी भावनाओं का आदर कीजिए। मेरी मृत्यु उनके लिए वरदान बने, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। आपको व माँ को प्रणाम। सुशांत और रेवती को प्यार। आपका अभागा पुत्र सागर। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, फिर प्राण तन से निकले। यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का
घाट हो यमुना का वंशी वट हो मेरे सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले चला गया मुझे छोड़कर जैसे मैं कुछ लगती नहीं आना जरूर किस मजदार में छोड़ के राधे को साथ लाना मेरी कोई फिक्र ही नहीं कितना लापरवाह निकला बताया तक नहीं यूं ही चला गया ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा यही सलाह दिया माँ ने कभी माफ नहीं करूंगी कितना स्वार्थी निकला क्या ढूंढ रहे हो वो सागर की चिट्ठी मैंने यहीं कहीं तो रखी थी उसे कौन ले जाएगा आप इन्हें कहीं रखती होगी हाँ मैंने ही रखी और मैं ही ढूंढ रहा हूँ पागल हो गया हूँ मैं हाँ सागर की चिट्ठी को मैं कहीं सुशांत ने तो नहीं ली कहाँ है वो तो कब का कॉलेज चला गया रेवती कहाँ है होगी कहाँ वही समंदर किनारे ना ये रही क्या हाँ मैं लेट हो गया हूँ देर हो गई आज तो आपको हो क्या गया है हाँ आपकी फाइल सुनिए आते वक्त डांस स्कूल जरूर होते आइएगा वो रेवती की एडमिशन के बारे में पता करना है ना देख क्यों नहीं चलती है क्या कर दिया ये देखो कहां से आ रही है बताएगी भी नहीं अब Mm-hmm.
सीटी क्यों बजाता रे? कितनी बार समझाया सीटी मत बजाया कर। सीटी बजाने में क्या बुराई है माँ? ये आवारा गर्दी की निशानी है बेटा। तू ऐसा क्यों सोचती है माँ? सीटी बजाने से कोई आवारा हो जाता है तो कुछ भी सोच लेती है माँ। क्यों नहीं सोचू? पर तुझे निकम्मी हरकतों से मिलता क्या? हाँ बोल। मैं यूं ही थोड़ी ना सीटी बजा रहा हूँ माँ। ये तो मेरे कॉलेज में एक प्ले है जिसके लिए मैंने एक धुन बनाई, बस उसी को रिहर्स करने के लिए मैं सीटी बजाता हूँ। कैसी है? अच्छी है ना? माँ ये गधा आजकल बहुत स्मार्ट बन रहा है। कौन का था? यही जो हमारे घर के सामने रहता है, पांडू। पर हुआ क्या बेटा? कुछ नहीं, कॉलेज में मुझे गाली बक रहा था, सारी लड़कियों के सामने रौब जमा निकली। अगली बार उसने ऐसी कोई हरकत की ना मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। भगवान के लिए ऐसे मत करना, वो तो लफंगा है, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। तू रहने दे, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। हुँ? नाश्ता लगाती हूँ, आ जाना जल्दी। आने पे बता दूंगी, ठीक है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? आप शांति से बैठिए, अभी आपको ही बुलाएंगे। कब? सर प्लीज, सर एक मिनट रुकिए सर। हाँ मैं आ जाऊंगा। आप अंदर नहीं जा सकते। यस? किसने अंदर भेजा आपको? बाहर जाइए। आई विल कॉल यू। सर आई टोल्ड हिम टू वेट बट ही जस्ट रश्ड इन। पिछले एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट? सुनिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? आइए, प्लीज कम, बैठिए, कहिए, क्या बात है? मुझे अपनी बेटी रेवती के बारे में पूछना था। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो आपकी बेटी है इसलिए रियलिटी से आंखें मूंद लेंगे? आपकी बेटी गुंगी बहरी है, समझे आप? पता है आज सुबह आपके जाने के बाद क्या हुआ? रेवती ने गुस्से में किताबें और अखबारें फाड़ डाली, पेपर वेद से मटका फोड़ डाला और आईना तोड़ने ही वाली थी कि मैं सामने आ गई, इसीलिए रुक गई। आपने सुना जो मैंने कहा? हाँ? कुछ कहा तुमने? रेवती की तरह क्या आपको भी सुनाई नहीं देता?
नहीं, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, इस वजह से नहीं सुन पाया। बताओ ना, क्या कह रही थी? वही, हमारी बेटी के बारे में। उसे जरा बाहर घुमा लाइए ना। रद्दी वाले, रुको जरा। जी सुशांत। हाँ माँ। रद्दी वाला आया है। कुछ बोतलें और डिब्बे टोकरी में पड़े हैं, वो और अखबार सब दे देना। कहाँ गई शांति? शांति क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? वो सागर की चिट्ठी रास्ते में कहीं गिर गई शायद, जेब में तो नहीं है। उफ़ो, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जाने से पहले मैंने वो चिट्ठी आपकी टेबल पर देखी थी। टेबल पर? हाँ। अरे हाँ, याद आया। शांति, यही तो रखी थी मैंने चिट्ठी, कहीं कहा? याद आया, अखबार के ऊपर चिट्ठी थी। वो अखबार? शांति, शांति अब क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? एक पुराना अखबार कहाँ है जो टेबल पर रखा था? चिट्ठी मैंने उसी पर रखी थी। रद्दी वाला आया था, मैंने सुशांत से रद्दी बेचने को कहा, कहीं वो अखबार। अरे क्या जरूरत थी रद्दी बेचने की, उसको चिट्ठी नजर नहीं आई? वो तो एकदम लापरवाह है। तुम तो थी घर में, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम भी कम नहीं हो। क्यों इतना भड़क रहे हो? कहीं रख दी होगी उसने। वो है कहाँ? बाहर गया है। बाहर कहाँ? गिटार सीखने।
निशांत जी। बाबूजी कितनी बार समझाया, सीटियां मत बजाया करो। लफंगों जैसी हरकतें क्यों करते हो तुम? कॉलेज से भी शिकायत आई थी, कॉरिडोर में तुम सीटियां बजाते हो। सुधर जाओ वरना पछताओगे, कह देता हूं। वो चिट्ठी कहाँ है? कौन सी चिट्ठी? मेरे टेबल पर से अखबार की रद्दी तुमने दी थी ना? हाँ, वो माँ ने कहा था सारी रद्दी भेज दो, तो मैंने भेज दी। मेरे टेबल पर पुराना अखबार रखा था, उसके ऊपर सागर की चिट्ठी रखी थी, वो कहाँ है? वहां तो कोई चिट्ठी नहीं थी बाबूजी। क्या कह रहा है? मुझे अच्छी तरह से याद है, वो चिट्ठी अखबार के ऊपर ही रखी थी। मुझे लगता है अखबार के साथ उन्हें चिट्ठी भी दे दी, चिट्ठी पर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं बाबूजी, वहां पर कोई चिट्ठी नहीं थी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, एक नंबर के लापरवाह हो तुम। इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ ने जो कहा मैंने वही किया। उस रद्दी वाले का पता मालूम है? हाँ, मार्केट में, अशोक पेपर मार्ट। हमेशा मुझे ही कोसते रहते, कभी मेरी बात का विश्वास किया आपने? रेती फोड़ जाओ। रेती रेती फोड़ जाओ। कहा ना रेती छोड़ छोड़। सुशांत क्या कर रहे हो, छोड़ना उसे। You bitch! क्या कहा सुशांत? क्या कहा तूने? बहन से बात करने की ये तमीज है? पापा उसने। Shut up! दोबारा ये शब्द बोला तो जमान खींच लूंगा। कहां से सीखी ये घटिया भाषा? कॉलेज में यही सिखाते हैं? पापा उसने मेरा हाथ काटा। ठीक किया उसने। तुम झगड़े क्यों? वो मेरा फोटो क्यों लेकर गई? तो क्या ऐसे लड़ोगे बहन से? अपनी बहन के लिए ये शब्द इस्तेमाल करोगे? आप लोग हमेशा मुझे ही गलत समझना। इतना ही बुरा लगता हूं तो पैदा क्यों किया? क्या कहा? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? इस घर में रहने से तो मर जाना अच्छा है। सुशांत, सुशांत, कहां जा रहे हो बेटा? ऐसे मत करना, भगवान के लिए इसे रोक लीजिए। सुशांत रुको, सुशांत। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए। अब ठीक तो हो ना? चलिए, बाबूजी को खून निकल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, उठा उठा। बाबूजी उठिए, उठा, चलिए संभाल के। हाँ, आइए अंदर चलिए, आइए संभाल के। हाँ, अब बैठ जाइए। हाँ, मेडिकल कर। आप सिर यहाँ रखिए, आराम से। तू क्यों ऐसे करता बेटा? तू क्यों इतना लापरवाह है? तेरी वजह से देख क्या हुआ? इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, हम तो तुझे समझा ही रहे थे ना। अब बस भी करो माँ। सुनो, ए भाई साहब। जी बोलिए।
कल शाम को आपका एक आदमी हमारे घर रद्दी लेने आया था। तो क्या हुआ? भूल से हमारी एक चिट्ठी रह गई है उसमें। आप रहते हैं कहाँ? सेक्टर 29 में। सेक्टर 29? ओ, देखिए जो लड़का आपके घर गया था वो अभी तक आया नहीं है, और रद्दी के इस ढेर में आपका बंडल खोज पाना मुश्किल है। वो आएगा तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं। देखिए आप दोपहर को आइए ना। वो बहुत देर में आएगा। साहब आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तब तक इस सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जाइए ना, आप बेफिक्र होकर जाइए। रामचंद्र बाबू, क्या बात है? ये माथे पे क्या हुआ? काफी निराश लग रहे हैं आप। इतनी चिंता मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर से तो भरोसा उठने लगा है मेरा, पता नहीं क्या गलती होगी मुझसे, मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली उस दिन। इस सदमे ने आपको काफी निराश कर दिया है, मगर दिल छोटा ना कीजिए। देखिए हिम्मत से काम लीजिए, मुसीबत में वही हमें सही राह दिखाता है। भाई साहब चिट्ठी मिली क्या? ओ, आप आ गए। देखिए ना, दो दो बार ढूंढ लिया, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिली? अरे हाँ, याद आया, कल जब मैं रद्दी लेकर आया एक सज्जन आए थे, उनको किसी तारीख का पेपर चाहिए था, वो खुद ढूंढ कर ले गए। वापस करने को बोला था, कहीं उसमें तो आपका चिट्ठी वाला पेपर। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, वो आचार्य जी हैं, वो प्लाट नंबर 11 में रहते हैं। सुनिए जी, आचार्य बाबू हैं क्या? जी नहीं। ओहो, कब तक आएंगे? जी वो अभी तो नहीं आएंगे। ओफो। आप क्या बहुत जल्दी में हैं? नहीं, इट्स ओके। अच्छा सुनिए, अगर आपको अभी उनसे मिलना है तो यहीं से थोड़ी दूरी पर जो इंडोर स्टेडियम है ना, हाँ, वो वही क्लास ले रहे हैं, आप उनसे वहां जाकर मिल सकते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कृष्णा, क्या बात है? गुरु जी आपसे मिलने को ही आया है। कौन है? नाम नहीं बताया अपना। अच्छा, आप अभ्यास जारी रखिए एक ताली पर, मैं अभी आता हूँ। आचार्य जी आप ही हैं? हाँ जी।
माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। तकलीफ की क्या बात है, कहिए। अशोक पेपर मार्ट से आप एक पुराना अखबार लाए हैं। हाँ। उसमें शायद मेरी एक चिट्ठी रह गई है। हाँ जी, उसमें चिट्ठी थी। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैंने कल रात पढ़ी वो चिट्ठी। इतनी प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी चिट्ठी मैंने आज तक नहीं पढ़ी। आपके बेटे ने लिखी थी। अब कैसा है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अपनी बेटी को फोन कर देता हूँ, आप मेरे घर जाके चिट्ठी ले लीजिए। जी। मैं प्लॉट नंबर 11 में रहता हूँ। मुझे मालूम है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। अरे क्या कर रहे हो, ठीक से करो, ठीक नहीं हो रहा है। अरे सुनो, जरा आचार्य जी को बुलाना। जी बाबू जी। गुरु जी, वो साहब फिर आए हैं क्या? हाँ गुरु जी। अरे अब क्या हुआ? माफ कीजिएगा, दोबारा आपको तकलीफ दी। आपकी बेटी से पता चला कि आप डांस सिखाते हैं। जी हाँ, हम यहाँ ओडिशी डांस सिखाते हैं। मेरी बेटी को सिखाएंगे? क्यों नहीं, उम्र क्या है उसकी? थैंक यू वेरी मच, 16 साल की है। 16 साल की, अब तक क्यों नहीं सिखाया? दरअसल इसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। मेरे बड़े बेटे की इच्छा थी। आपने खत में तो पढ़ा ही होगा। जी। हमने एक बड़े स्कूल में बात भी की थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। क्यों, ऐसा क्यों? उनका कहना था कि गूंगी बहरी लड़की डांस नहीं सीख सकती। ओह, आई सी, तो समस्या ये है। बहुत भरोसा लेकर आया हूँ, ना मत कहिएगा, आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको सूचित कर दूंगा। हेलो, क्या नंबर लगाया आपने? नंबर तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तिवारी जी कोई नहीं रहते, रामचंद्र जी रहते हैं। परेशान लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा ये बताओ श्रुति, तुम अपने आप से संतुष्ट हो? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचती हो। बचपन से अब तक तुम्हें कोई कमी, कोई अभाव महसूस हुआ? हाँ, माँ के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ खोया, पर इकलौती होने के नाते आपने कभी मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम ये बताओ क्या तुम अपने आप से संतुष्ट हो? कोई इच्छा अधूरी तो नहीं? नहीं तो, पढ़ाई के अलावा नृत्य सीखने की चाह थी, सो आपने पूरी कर दी।
आप जैसा गुरु मिला, और क्या चाहिए? मैं भी ठीक यही सोच रहा हूँ। एक ऐसी लड़की के बारे में जो जन्म से गूंगी बहरी है, नृत्य सीखना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कौन है वो लड़की? दोपहर में जो सज्जन आए थे ना, उन्हीं की बेटी है। तो इसमें चिंता की क्या बात? उसके पापा जोर दे रहे हैं कि मैं उसे डांस सिखाऊं, लेकिन मैं हैरान हूं, बिना सुने वो सुरताल समझेगी कैसे? पर पापा, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? आप इसे एक चैलेंज समझकर स्वीकार कर लीजिए ना। हेलो। हाँ आचार्य जी बोलिए, मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, कल सुबह? जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूँगा। जी जी पहुँच जाएंगे। अच्छा नमस्कार। सुनिए, जरा रुकिए। देर हो रही है शांति, जल्दी करो। अब चले जाइए। रामचंद्र जी, जी मेरे लिए एक चुनौती होगी। आचार्य बाबू थैंक यू वेरी मच। बैठिए जी। हालांकि अपनी बेटी की जिद के चलते ही मुझे ये फैसला लेना पड़ा। यही है मेरी बेटी श्रुति। इस साल हिंदी साहित्य में बीए किया है। अच्छा। और बीएड के लिए कोशिश कर रही है। अरे वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छी डांसर है। अच्छा। मुझसे ही सीखी है। अच्छा। ये मेरा सब कुछ है, काफी अच्छी कविताएं भी लिख लेती है। जरूर आपका नाम रोशन करेगी। हमारी बेटी रेवती भी बहुत प्यारी बच्ची है, बस यह है कि अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते हम उसका ठीक से इलाज नहीं करा पाए और न ही उसे किसी स्पेशल स्कूल में भेज पाए। हमारे यहाँ इस तरह के स्कूल हैं भी नहीं ना, लेकिन है वो बहुत टैलेंटेड। कथकली डांस करती है, हाँ चार्ली चैपलिन की नकल बनाती है। अभी दिखाएगी कथकली? अभी? हाँ 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 क्यों नहीं। डांस डांस अभी बहुत अच्छा करती है, आप देखिए। ये ड्राइंग भी बहुत अच्छा कर लेती है। आप एक लाइन खींचो, ये कोई ना कोई चित्र बना देगी। बनाएगी? हाँ ड्राइंग ड्राइंग। अब एक लाइन खींच दो आप। हाँ। कोई भी।
ये क्या है? देखो कितना अच्छा बना है। सरप्राइज, हाउ स्ट्रेंज। देखो आचार्य जी, रेवती डांस सीख पाएगी ना? सुशांत, I just love dancing. बचपन से ये मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। मैं जब भी डांस करती हूँ अपने आप को भूल जाती हूँ। मैं और मेरी आत्मा एक हो जाते हैं। एक नए जीवन की प्रेरणा मिलती है मुझे। Exactly. जब मन और आत्मा मिलकर एक हो जाए तो एक नई दुनिया का जन्म होता है। Come on, leg up. Lock your knee properly. गुरु, देख कैसे लाइन मार रहा है। तुमने जो म्यूजिक कंपोज किया है ना, इट्स सो गुड। उस धुन पर डांस करने में बहुत मजा आता है मुझे। गुड। अच्छा, तुम्हारी बहन का क्या हुआ? पापा उसे डांस सिखाना चाहते हैं। देखते क्या होता है। मुझे लगता है कुछ अच्छा ही होगा। एनीवेज, तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है? हमेशा की तरह लेट। चलो रिहर्सल शुरू करते। कम ऑन, लो आ गया। यू लेट ब्रो। सॉरी ब्रो। हेलो। हाय। कम ऑन, लेट्स गो। कम, टेक योर पोजीशंस एंड चेंज योर शूज। या ओके, फाइन। ओके, म्यूजिक। The power of love is in the gentle breeze, not in the storm. बैले शुरू होने से पहले जो लाइन है ना, कितनी मीनिंगफुल है। कहाँ से मिली? बस यूं ही अपने आप बन गई। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करूं, तभी अचानक से तुम्हारी याद आ गई, तो बस तुम्हारी प्रेरणा से वो लाइन भी बन गई। मेरी प्रेरणा से मुझे मत बनाओ, बट दैट्स रियली स्वीट। फिर से बोलो तो। बोलो ना। द पावर ऑफ लव इज इन द जेंटल ब्रीज, नॉट इन द स्टॉर्म। देखो छिपकली, बांस मारे गली गली। हाय मेरी जान, तुझे जोकर से बांस नहीं आती क्या? ओए ओए, देख 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 कैसे चल रहा है। देख 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 देख। Yes.
क्या सोच रही हो उस इडियट के बारे में? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा दीवाना जो है। Come on, ये तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हें तो सच्चाई पता है। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। हो सकता है कि तुम भी उससे चाहने लगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मालिनी, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। कौन जाने तुम्हारे दिल में भी उसके लिए चाह चुकी हो। जब भी तुम मेरे पास होते हो, इस फिजा में एक कशिश, एक प्यार भरी ताजगी का एहसास होने लगता है मुझे। कितनी प्यारी हवा है। ये कहां से उठा लाया? उठा लाया? मेरे दोस्त का है। आप लोग तो खरीदने सर है। तू ऐसा क्यों सोचता है बेटा? घर की हालत तो तू जानता ही है ना? जानता हूँ माँ, तभी तो मांग कर लाया हूँ। वैसे उसके पास एक और भी है। ए, छोड़ो उसे। ठीक है, खेलने दे इसे। माँ क्या खेलने दे, ये कोई खेलने की चीज है, खराब हो जाएगा। नहीं खराब होगा, खेलने दे इसे, तेरी ही बहन है ना। देख माँ, उस पांडू ने आज एक और बदमाशी की, कॉलेज में ये चिपकाया। उफ पापा, सचमुच बड़ा ही तुष्ट है। तूने प्रिंसिपल को नहीं बताया? तू उसके मुंह मत लगना, मुझे ही उसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। सोचते हो मेरा कार्टून बनाकर मुझे बदनाम करोगे? इस कार्टून से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक दिन तुम लोगों को ऐसा जोकर बनाऊंगा, देखते रह जाओगे। One, two, three, four.
बेटी वो साहब आए हैं। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते बेटे, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर रेवती और पापा तो अभी डांस क्लास में ही है। अच्छा, पर आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। अच्छा, मेरी बेटी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुबह जब आप उसे छोड़कर गए तो उसने मेरी पुरानी बुक से कुछ पढ़ने लिखने की कोशिश की। अच्छा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और बाद में उसने मेरी मदद भी की। अरे वाह, अच्छा है ना, इसी तरह मुझे रेवती को और समझने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू बेटे, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। दरअसल घर में कोई और नहीं है जो उसे यहाँ छोड़ सके, इसलिए प्लांट जाते वक्त मैं ही उसे यहाँ छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी तुम्हें क्या लगता है वो सीख पाएगी? मुझे रेवती के लिए बहुत फिक्र लगी जाती है, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप हौसला रखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। ओडिसी नृत्य के अभ्यास में मुख्यतः 5 प्रकार के भंगिमाओं का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। सीधे खड़े होने को समभंग कहते हैं, इससे थोड़ा झुकने से ये अभंग आता है। ये है चौक, ये त्रिभंगी यानी कि थ्री फोल्ड बेंड ऑफ द बॉडी। इससे थोड़ा ज़्यादा झुकने से ये अतिभंग हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब कुछ फुटवर्क कर लेते हैं। पापा आज हम वो नाट्यशास्त्र वाले नृत्य हस्ता करें? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा जो त्रिपटा ताल के ऊपर फुटवर्क ठीक नहीं हो रहा है ना, उसको पहले रेक्टिफाई करो। चलो 1 2 3 4 धे त थिन दक त थिन दक त थिन दक धे त थिन दक त थिन दक त थिन दक धे त थिन दक त थिन दक त थिन दक धे त थिन दक त थिन दक त थिन दक चतुरस्रौ तथा उद्धृतौ तथा तलमुखौ श्रुतौ स्वस्तिकौ विप्रकिन्नं चापि अरालकटकामुखौ। चलो अब शुरू करें। चतुरस्र हस्त यानी कि रेक्टेंगुलर पोजिशन ऑफ द हैंड। उद्धृतौ हैंड मूविंग लाइक ए फैन। तलमुखौ हैंड गोइंग डाउनवर्ड। तलमुखौ मर्दल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्वस्तिकौ द क्रॉस पोजिशन ऑफ द हैंड। विप्रकिर्णौ
क्यों शाम से इस घड़ी के पीछे लगे हैं? कल उसे बाजार ले जाइएगा और बनवा लाइएगा। राम जाने सागर ने इसमें ऐसा क्या देखा जो ये घड़ी उपहार में दी। तुम नहीं समझोगी। सुनिए, रेवती सो गई है, उसे अंदर बिस्तर पर लिटा दीजिए। ता, 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 ली, त, ली, त, ली, त, ताली, तत, ताली, तत, ता, किटी तक तैयम, तत, ता, तै, ता, किटी तक तैयम, तत, ता, तै, ता, किटी तक तैयम, तत, ता, तै, ता, किटी तक तैयम, तत करो कु कुन धा री ता जे ना। ता 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 ली 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 बजती है ताली।
अपना जोकर तो छक्का निकला। पीछे से देख, लड़की दिखता है कि नहीं? अरे वाह, इसे शर्माना भी आता है। देखो इसे चढ़ाओ मत, हाँ नहीं तो अपनी अम्मा से शिकायत कर देगा। मदर्स बेबी। सुशांत, छोड़ो उसे। What are you doing? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। Come on. Tajina tam tam tajina dream dream tajina tam tam tajina dream dream dreamita kundarita dreamita kundarita dreamita tarikita tak jena ta jenu rita jenu jenu ta kukundari jena jenu ta jenu kukundari ta jenu jena jenu ta jenu kukundari ta jenu jena jenu ये क्या हो रहा है? मत जाओ उसके पास। शुरू करो। 1 2 3 4 झेणा झेणु ता झेणु कुकुंदरी ता झेणु सा 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 धा सा नि धा प म ग रे ग प। सुशांत, सुशांत बेटा, सुशांत, कौन है? कौन है? रेवती? रेवती आई क्या? हाँ, लेकिन वो आपके साथ नहीं आई। मेरे साथ नहीं आई है वो। जब मैं डांस क्लास में पहुंचा तो पता चला कि आचार्य जी ने उसे डांटा, इसलिए वो खुद ही वहां से भाग गई। क्या, अकेले? हाँ। पागल तो नहीं हो गई है? कुछ हो जाता तो
लड़की का दिमाग बहुत चढ़ गया है। डांस क्या सीखने लगी? अपने आप को बहुत होशियार समझने लगी? अरे तुझे कुछ हो जाता तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाती? बोल बोल। अरे घूरती क्या है, मुझे आके दिखाती है, मुझे गुस्सा दिखाती है, थप्पड़ दूंगी खींच के, समझी? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, मैं तो इसे डांस के लिए भेजना नहीं चाहती थी। आज मास्टर जी ने गुस्सा किया, कल हम गुस्सा करेंगे तो क्या ये घर छोड़ के भाग जाएगी? हाँ बोल 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 मुझे। हाँ हाँ, नहीं भेजूंगी मैं डांस के लिए, नहीं भेजूंगी। संजीत पागल हो गई हो क्या? जोर जोर से चिल्ला रही हो क्या? उसे सब सुना दे रहा है। चलो शांत हो जाओ। चलो जहां बैठो। पानी पीना है? मैं आचार्य जी को जरा बोल देता हूं कि वो आ गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो घर अकेली कैसे आ गई। मैं तो उसे डांस के लिए भेजना ही नहीं चाहती थी, देखिए उसकी बेवकूफी। अब शांत भी हो जाओ। हमारे बड़े बेटे की इच्छा थी कि हम उसे डांस सिखाएं, पहले तो कुछ कहा नहीं, अब बड़बड़ाई जा रही हो। आप मुझ पर क्यों नाराज होते हो? सागर के जाने के बाद आप बहुत बदल गए हैं। एक सुशांत है जो देर रात गए घर लौटता है, आप उसे कुछ कहते ही नहीं, और दूसरी आपकी ये लाडली, इसे कुछ हो जाता तो। हेलो आचार्य जी, रामचंद्र बोल रहा हूँ, रेवती घर आ गई, आप चिंता ना करें। जी नमस्कार। इतना मत सोचा करो। कहीं मारपीट तो नहीं की? क्या माँ, बता तो सही, आखिर हुआ क्या? पांडु ने आज फिर गंदा मजाक किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसे पीट दिया। उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका, वही लगाए। प्रिंसिपल ने हम दोनों को बुलाकर वार्निंग भी दी, पर पहले शुरुआत उसी ने की थी। हे भगवान, हमारे बच्चों को ये क्या हो रहा है? क्या बात है बेटी, अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? बात क्या है? पापा, आपने ठीक नहीं किया। क्या? आज जिस तरह आपने उसे डांटा, रेवती औरों की तरह नहीं है। आपको उसके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। वो आम लड़कियों जैसी नहीं है। She's very sensitive.
पापा, आप उसके घर जाइए, उसे प्यार से समझाइए, उसे अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ गुरु होने के नाते आप ऐसा नहीं करेंगे, पर मेरे ख्याल से आप दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा। टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट प्लीज। रामचंद्र दास जी हैं जी, आप उन्हें बुलाएंगे? जी हाँ। सुनिए सुनिए, उठिए, पुलिस आई है। पुलिस? आप ही रामचंद्र दास जी हैं? जी हाँ, कहिए। आपका बेटा किधर है? वो सो रहा है। आप जरा उसे जगा देंगे? लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, आपके पड़ोस का लड़का बुरी तरह घायल होकर बेहोश पड़ा था, उसे हमने अस्पताल तो पहुंचा दिया है, बट ही इज वेरी सीरियस। लेकिन इससे हमारे बेटे का क्या संबंध है? इसी सिलसिले में कुछ बात करनी है। सामने वाले घर के लड़के को तुम जानते हो? क्यों, बात क्या है? जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। जानते हो उसे? हाँ, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? वो उसी से मारपीट हुई थी, पत्थर मारा उसने। घर कितने बजे आए? तकरीबन 10 बजे। इतनी देर कहाँ थे? दोस्त की बर्थडे पार्टी में था। 9 बजे के आसपास आप लोगों ने अपने घर के सामने कुछ नोटिस किया? नहीं नहीं नहीं। हाँ। हाँ। ये क्या है? छत से? ये मेरी बिटिया है रेवती, बोल सुन नहीं पाती है, आपको कुछ बताना चाह रही है, आप आइए। लोगों को इसने अपनी आंखों से देखा। पहले ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा, दूसरे ने उसके मुंह को पकड़ा, और तीसरे ने, मतलब इसने, इससे पैसे मांगे। जब इस लड़के ने पैसे नहीं दिए तो इस आदमी ने अपनी छड़ी से वार किए उसके सर पर। आपकी बेटी तो बड़ी समझदार है। शाबाश। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। यू आर वेलकम एनी टाइम। पापा, वो आचार्य जी आए हैं। आचार्य जी? गुरु जी। अरे आचार्य जी, आप? नमस्कार। आइए आइए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आप हमारे घर आए हैं। आइए आइए बैठिए। रेवती ने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते जी। मेरी पत्नी।
मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जी हम चाय पी कर ही घर से निकले हैं। रेवती कहाँ है? हम उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। क्या? जी मैंने तय किया है उसे अकेले में सिखाऊंगा, ग्रुप में नहीं। कल उसकी शरारत से मैं कुछ ज़्यादा ही भड़क गया था, लेकिन है ये बच्ची बहुत प्यारी। पर आप उसे गलत मत समझिए। जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर वो है कहाँ? लेके आओ ना उसे। ये देखिए। क्या? सर आपको एमडी साहब बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं सर। सर आपने मुझे बुलाया? Do you know why I have called you? It's regarding your son. क्या हुआ सर? रामचंद्र बाबू, yesterday I had been to one of my friend's son's birthday. There I found a boy who played guitar excellent. Then I came to know that he's your son. Oh, thank you very much, sir. लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा परेशान रहता हूँ सर। Why? वो पढ़ाई के मामले में अब कल ही कॉलेज में मारपीट कर बैठा। Come on, Ramchandra. Don't expect every child to be studious. Do you know that Isaac Newton secured third class marks in school exams? He had a low level of self-esteem. Once a school bully hit him, and he hit back with a blow and floored him. बस उसी दिन उसका आत्मविश्वास जाग गया और अगली बार एग्जाम में फर्स्ट आया। So you should support and encourage your children, Ramchandra. It will give them the self-confidence. See her. Chalo, let's practice. 1, 2, 3, 4. Dhaki te, dhoki te, kiri tak dhina ki te, kiri tak dhaki te, dhoki te, kiri tak dhina ki te, kiri tak thini thina kita tak dhina kita. 1, 2, 3, 4. Dhaita, dhaita, tin tere kiti tak tere kiti tak dhaita, dhaita, tin tere kiti tak tere kiti tak dhaita, dhaita, tin tere kiti tak tere kiti tak dhaita.
जी हाँ हाँ जी एक मिनट प्लीज होल्ड करिए पापा आपके डॉक्टर की सेक्रेटरी का फोन है आज की अपॉइंटमेंट कंफर्म करना चाहते हैं हम आधे घंटे में निकल सकेंगे ना हाँ हेलो यस वी आर कमिंग थैंक यू धागे धागे धातीन धतक तारी धातीन 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 धागे धागे धातीन धतक तारी हेलो हेलो सुनाई नहीं दे रहा है जी जरा जोर से बोलेंगे हाँ जी हाँ अच्छा थैंक यू ओ यू वांट माय डिसाइपल टू परफॉर्म आल्सो ओके बेटी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन मेरा सम्मान करना चाहती है वो चाहते हैं कि रेवती भी स्टेज पर डांस करे ओ पापा दैट्स ग्रेट पर कब आने वाले संडे को आने वाले संडे को
क्या? पता है मां, इस संडे को यूथ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक नया कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और कॉलेज की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मां, क्या हुआ? रेवति घर नहीं आई अब तक। आचार्य जी के घर से फोन आया था। बाबूजी के पहुंचने से पहले ही रेवती वहां से निकल गई। बाबूजी उसे ढूंढने गए, पता नहीं कहाँ होगी अकेली। ज्योति आई क्या? नहीं तो आपके साथ नहीं आई? पता नहीं कहाँ चली गई है। सुनिए, छाता तो लेकर जाइए। सुशान, जरा जाकर देखो ना बेटा, रेवती कहाँ है? हाँ जी मां। आ गई मां, बाबूजी, बाबूजी रेवती आ गई। जी मैं डॉक्टर मेहता। आपकी बेटी ने आज कमाल किया, आज इसने एक बच्चे की जान बचाई। बच्चा जीप की चपेट में आ गया था, ये खुद उसे हॉस्पिटल तक लेके आई। बहुत सीरियस केस था सर, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा, इसी वजह से हम आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। पर अच्छी बात यह है कि बच्चे की जान बच गई। बहुत बहादुर है आपकी बेटी। अच्छा मैं निकलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। ओके सर, बस Oh.
मैं दो बुखार तो आपको भी तेज है। आप लोग आराम कीजिए, मैं और रेवती घर संभाल लेंगे। सुनिए। हाँ जरा फोन लीजिए। आ रहा हूँ। हेलो। हाँ आचार्य जी। हाँ वो तैयार हो गई। हाँ बस निकल ही रहे हैं। अच्छा जी ठीक है। आचार्य जी ने कहा है जरा जल्दी पहुँचना है, इसको सुशांत के साथ भेजना पड़ेगा बाइक पर। हम ऑटो रिक्शा में चलेंगे नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है। सुशांत सुशांत। जी बाबूजी। अब जाओ जल्दी। Thank you.
तरी तरती न धागे धागे तरती न धागे तरी तरती न धागे धागे तरती न धागे तरी तरती न धागे तरी तरती न धागे तरी तरती न धागे धागे तरती न धागे तरी तरती न धागे धागे तरती न धागे तरी तरती न धागे धागे तरती न धागे तरी तरती न धागे तरी तरती न धागे धागे तरती न धागे धागे तरती न धागे तरी 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 तरती न धागे त